सबसे पहले तो दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। हम आपको बधाई देते हैं कि आपको फॉरएवर स्टार इंडिया ने द रियल सुपर व्यूमन अवार्ड 2021 से नवाजा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश भी हूँ और सरप्राइज भी हूँ। बट ये जरूर है कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है, इससे मैं मोटिवेट होंगी कि मुझे और अच्छा काम करना है आगे। हाँ, वाकई हर सम्मान हर पुरस्कार आगे कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। हम जानना चाहेंगे कि आप तकरीबन कितने समय से लीडरशिप कोच की भूमिका निभा रही हैं और ये विचार आपके मन में कैसे आया? करीब करीब लास्ट 10 ईयर से मैं एज ए लीडरशिप कोच की भूमिका निभा रही हूँ और साथ ही साथ मैं हायर एजुकेशन ग्रुप में जुड़ी हूँ, जहाँ मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, फार्मेसी के होते हैं, MBA के होते हैं, तो उनको मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी उनको हेल्प करती हूँ, उनको तैयार करती हूँ कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए। बट जहाँ तक लीडरशिप कोचिंग की बात है, तो चूंकि मैंने अपनी बिजनेस स्टडीज IIM से की है और फिर मैंने अपनी एडवांस स्टडी IIM लखनऊ से की है, जहाँ मैंने लीडरशिप कोचिंग पर ही पूरी अपनी एजुकेशन की है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जाके मुझे समझ में आया कि अगर आप एक लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, CEO हैं, तो किस तरह से आपको डिसीजंस लेने चाहिए। क्योंकि खासकर जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, तो वहां बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं और एक कोच, जो लीडरशिप कोच होता है, वो आपको ट्रेन कर सकता है कि किस तरह से आप अपनी आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, डिसीजन टेकिंग पावर है, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने विनिंग टीम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप उतने ही पावरफुल हैं जितनी आपकी टीम पावरफुल है। तो एक लीडरशिप कोच आपको हमेशा आपको ना सिर्फ आपको तैयार करेगा, बल्कि एक पावरफुल टीम बनाने में भी आपकी मदद करेगा। और इस तरह से मेरी लीडरशिप कोचिंग की यात्रा शुरू हुई और आज मेरी जो रिकग्निशन है, कहीं ना कहीं एज ए लीडरशिप कोच की बन गई है। तो वाकई आपने लीडरशिप कोच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और एशिया लेवल का भी आप इसमें खिताब जीत चुकी हैं 2021 में। जी जी जी, एक्चुअली एशिया लेवल पे जो अवार्ड है मुझे लिंक्डइन के माध्यम से मिला है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर वे में इन्हें हर साल एक सर्वे किया जाता है, जहाँ डिफरेंट बहुत सारे सेशन होते हैं और हमारी कोचिंग को परखा जाता है कि कौन कितना साउंड है अपनी कोचिंग को लेके। तो वहां से मुझे एशिया लेवल पे लीडरशिप कोचिंग अवार्ड मिला है और मैं MP की एकमात्र लीडरशिप फीमेल लीडरशिप कोच हूँ जिनको एशिया लेवल पे ये अवार्ड दिया गया है। वाकई खुशी की बात है कि आपको इस सम्मान से नवाजा गया है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि लीडरशिप कोच की जब बात होती है तो बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसमें मूल जो एस्पेक्ट होता है वो ये है कि हम निर्णय लेने की क्षमता हमारी कितनी है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दबाव भी हमारे ऊपर कई बार हावी हो जाते हैं, बहुत सारे उनकी कहे अनुसार भी हमको सोचना पड़ता है। तो आप इससे किस रूप में देखती हैं और किस प्रकार से इसमें आप लीडरशिप कोच को देखती हैं? देखिए, अभी जैसे कि हम इस कोविड इस पैंडेमिक में हैं, तो कहीं ना कहीं इन लास्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट जो बिजनेस है वो ऑपरेशन चेंज हो चुका है। तो मैं अभी के सिनेरियो में अगर बात करूं, तो डेफिनेटली एक जो लीडर होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। तो एज ए लीडरशिप कोच मैं ये जो हमेशा अपने लीडर्स को गाइड करती हूँ, उन्हें कोचिंग देती हूँ कि आपको समय के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना होगा, क्योंकि किसी एक फिक्स टाइम से आप कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। नंबर टू, मैं हमेशा एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने कोचिंग में, कि एक अच्छे लीडर को अपनी टीम के साथ अपना कम्युनिकेशन किस लेवल पे ट्रांसपेरेंट रखना होगा। तो ऐसी मल्टीपल चीजें होती हैं और परिस्थिति के हिसाब से हम अपनी लीडरशिप स्टाइल को कैसे मोल्ड करें कि जो हम एक डिजायर्ड गोल एक्सपेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देख सकें। अगेन, जब पैंडेमिक होती है तो बहुत सारी चीजें, बिजनेस बहुत सफर कर रहा है, इस समय पे जिन्होंने भी लीडरशिप कोचिंग ली है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से अपनी कंप्लीट वर्किंग, अपने डिसीजन टेकिंग पावर, इन सारी चीजों को काफी मोल्ड और चेंज किया है।
तो आप मतलब लीडरशिप की जब बात कर रही हैं तो उसमें आप स्वयं को सफल मानती हैं। जी। जी। अच्छा, इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए अभी और कौन कौन से लेवल पर आप काम करना चाहती हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया है। मैं अगर अपनी लीडरशिप कोचिंग की बात करूं तो मुझे बहुत सारी जो कोचिंग जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे ग्लोबली भी काफी सारे ग्लोबली क्लाइंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, इवन इंडिया की मैं बात करूं तो जितनी भी हमारे मेट्रोज हैं, बड़े सिटीज हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली मुझसे कनेक्ट होते हैं और लीडरशिप कोचिंग पर डिस्कशन करते हैं एंड सेशंस बुक कराते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है लीडर्स को, या बहुत सारे मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर लेवल पे लोगों को लगता है कि कोचिंग की क्या जरूरत है। तो मैं ये देखती हूँ कि जिस तरह से मैं दूसरे कंट्रीज के लोगों को इतना ट्रेन कर रही हूँ, बड़े सिटीज में ट्रेन कर रही हूँ, तो वाई नॉट एमपी में भी एक अवेयरनेस आए छोटे सिटीज में, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काफी सारे लोग जुड़े होते हैं और एक सफलता उसी सक्सेस के लिए ही सब काम करते हैं, और एक कोच से बेहतर कोई नहीं हो सकता है जो आपको आपकी सक्सेस में मदद करे एक को पायलट बनकर। तो मेरी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में भी लोग काफी जागरूक हो और लीडरशिप कोचिंग को कहीं ना कहीं लाइक बढ़ावा दे सकते हैं, तो काफी सारे जो नए कोचेस हैं वो इंस्पायर होंगे कि वो मध्य प्रदेश के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करें। अच्छा, आप विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी तैयार करती हैं, तो कौन कौन से बिंदुओं पर आप फोकस करती हैं ताकि उनका सही जगह प्लेसमेंट हो सके और उनका आय का जो सृजन है वो कर सकें और अपने जीवन स्तर को भी सुदृढ़ बनाएं। जी, चूंकि मैं पिछले 6 सालों से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी देख रही हूँ स्टूडेंट्स का, तो मेरा हमेशा जो पहला फोकस होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि अगेन जब मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो रूरल एंड अर्बन दोनों हिस्से से लोग आते हैं और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वर्क हमें अपने स्टूडेंट्स का उस पर करना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है, जिसमें एक चीज कॉन्फिडेंस भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। तो मेरा हमेशा से ध्यान रहता है, फोकस रहता है कि बच्चे अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करें, सॉफ्ट स्किल पे बहुत ध्यान दें, टेक्निकल स्किल तो हम उन्हें क्लासेस में प्रोवाइड कराते ही हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट है वहां पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चों को हम बहुत अच्छे से तैयार करें। इस रोजगार के साथ साथ मैं उनको ये भी मोटिवेट करती हूँ कि अगर आप चाहें तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, तो उसके भी हम बच्चों को अपने यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आप जब प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों को तैयार कर रही हैं और जब वो कामयाबी के शिखर को छूते हैं या फिर किसी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर वो पहुंचते हैं तो कितना संतोष होता है? बहुत ज्यादा मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी जगह बहुत हाई पैकेज में प्लेस्ड होते हैं, और फिर वो मुझसे कनेक्ट होते हैं कि मैम कहीं ना कहीं हम आपसे मिले और आपने हमको जो गाइडेंस दिया तो आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। आई थिंक ये जो स्टेटमेंट होता है शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड या अचीवमेंट बन जाता है। तो अपने इस दायरे को आगे बढ़ाने के लिए आप और कौन कौन से स्तर पे अभी सोच रहे हैं कि इस पहलू को मुझे ज्यादा और स्ट्रांग बनाना है? मेरी आगे जाके ये कोशिश रहेगी कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकूं, एमपी में या डिफरेंट स्टेट के बच्चों से कनेक्ट हो सकूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, फिर और डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट काफी अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे भी होते हैं जिसमें, तो मेरी ये कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में कि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाऊं और उनको उनके प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, क्योंकि जब आप बच्चों को तैयार करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स, हम उनको इवन इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स तक बताते हैं, एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनना चाहिए वो बताते हैं, तो ये इनके लाइफ लॉन्ग के लिए वो रेडी हो जाते हैं, फिर वो कहीं से भी कंपनी में जाए उनके पर्सनल लाइफ में भी उनकी एक पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। जी एंड जी जी इसके साथ साथ अब चूंकि मैं एक लीडरशिप कोच हूँ तो मेरी ये इच्छा है कि मैं मैक्सिमम जितना हो सके बड़े ऑर्गेनाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ूं और उनकी सफलता में मैं भी अपना योगदान दे सकूं।
एक सवाल मेरे मन में आ रहा है दीपा जी कि चूंकि आप लीडरशिप की बात कर रही हैं तो और विद्यार्थियों को भी प्लेसमेंट के लिए प्रेरित कर रही हैं। अभी पेंडेमिक के दौर में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ तनाव और दबाव यानी डिप्रेशन हावी होता जा रहा है, बहुत सारे जी युवा गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारे युवाओं पे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना जी जी चाहती हैं जी कि उन्हें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी है ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र को बेहतर बना सकें। जी आपने बिल्कुल सही बात बोली कि चूंकि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, काफी नेगेटिविटी होती है, तो स्टूडेंट जो हैं आजकल वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ना सिर्फ स्टूडेंट, कोई भी जिनको ऐसा लगता है कि अभी फेलियर्स मिल रहे हैं लाइफ में, अभी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इन स्टूडेंट्स को फेलियर्स को जीवन का अंत नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि इन फेलियर्स को एक लेसन मान के नेवर गिव अप वाला जो एक एटीट्यूड होता है, इसको इसको फॉलो करते हुए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि डबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो डिप्रेशन में जाने वाली जो चीजें हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं, कोशिश करें कि आप उनसे दूर हो और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े, और लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स हैं, फेलियर्स हैं, इनको सिर्फ एक लेसन माने और जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो भी अच्छी दिशा है, उसकी ओर आगे बढ़े, सफलता डेफिनेटली मिलेगी आपको। और इससे पहले कि हम बातचीत को खत्म करें, आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो आपका सहयोग लेना चाहते हैं, आप से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जी मैं सभी श्रोतागणों से ये कहना चाहूंगी कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं या आप अभी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको मैं तैयार कर सकती हूँ प्लेसमेंट के लिए। जो भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ जितने भी बड़े लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप के, यदि आप मुझे एज ए को पायलट चाहते हैं और लीडरशिप से रिलेटेड कोई भी सजेशन या कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल है दीपा यादव, जहाँ पे मेरी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है, तो आप मुझसे वहां से कनेक्ट हो। और कुछ कहना चाहती हैं, कोई खास निवेदन है आपका श्रोताओं से? मैं सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अवार्ड है, रिवॉर्ड है, ये डेफिनेटली लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव करते हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह मैं भी बहुत मोटिवेटेड हुई हूँ कि मैं एक छोटे से शहर की हूँ और मुझे इतनी सारी रिकग्निशन मिली है। तो मैं सबसे चाहूंगी कि आप सब जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, खूब जी लगा के, खूब मेहनत से करें, सफलता डेफिनेटली हमेशा मिलती है। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, बट हमें गिव अप नहीं करना है। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है बल्कि लगे रहना है ताकि हम जी आगे चलकर एक कामयाब इंसान बन सके, है ना? तो जी 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 आपने इतना समय दिया, हमारे कार्यक्रम से अर्जुनी वक्त दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच।